भले ही अब रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण अपनी अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि रिसेंटली रणबीर कपूर को फिर आई है एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका पादुकोण की याद। आखिर ऐसा क्यों? चलिए आपको बताते हैं। आप सभी को बता दें कि इस वक्त रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। जी हाँ, इस इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण को लेकर काफी जिक्र किया है। वेल, दीपिका के बारे में बात करते हुए रणबीर ने काफी कुछ कहा। जी हाँ, उनसे जब सवाल किया गया उनके वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉन्ग अगर तुम साथ हो इस गाने का, इस गाने में एक बहुत ही खूबसूरत सीन था जहां रणबीर और दीपिका दोनों टेबल पर अपना सर रखे हुए थे। हालांकि दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, लेकिन वो जज्बात जनता तक बखूबी पहुंचे। इस बारे में रणबीर कहते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से दीपिका ने इसे किया, यानी टेबल पर जो कुछ भी उन्होंने किया, उन्होंने उसमें जान डाल दी थी, क्योंकि वो सब कुछ रियल था। उन्होंने वास्तव में दर्द महसूस किया था और उसकी वजह से गाना सुपरहिट हुआ। वेल, ना सिर्फ ये बल्कि एज अ एक्टर दीपिका पादुकोण करियर में कितनी ग्रो कर चुकी हैं, इस बारे में बात करते हुए भी रणबीर ने काफी कुछ कहा। जी हाँ, दीपिका का जिक्र करते हुए रणबीर कहते हैं, दीपिका के साथ काम करने में मेरा हमेशा से ही अच्छा समय रहा है, क्योंकि हमने साथ में फिल्में करना शुरू किया था। अब वो एक एक्ट्रेस के रूप में काफी बड़ी हो गई हैं। हमने अपनी दूसरी फिल्म बचना है हसीनों के साथ की और फिर ये जवानी है दीवानी में काम किया। मैं कभी किसी एक्टर की ग्रोथ से इतना हैरान नहीं हुआ हूँ जितना कि मुझे दीपिका ने किया। मैं दीपिका को बहुत करीब से जानता हूँ, इसीलिए जब मैं उन्हें तमाशा के सेट पर मिला, वो एक दिग्गज के रूप में उभरी और उस दौरान उन्होंने मुझे अपने हर शॉट से और हर एक्ट से हैरान कर दिया था। वेल, ऐसा लगता है कि दीपिका पादुकोण की एक्टिंग की तारीफें करते थक नहीं रहे हैं यहाँ पर रणबीर कपूर। वेल, आपको इस बारे में क्या है कहना, बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में। मैम यहाँ पे राइट में थोड़ा इधर आ जाए।